करते हैं। ये वो रोड है जहाँ से आ रहे हैं। इसके गिर्द बहुत अच्छी पार्किंग बनी हुई है और इसके साथ ये इनकी मेन बिल्डिंग है। बहुत ही प्यारी एंट्रेंस, बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी हम मेन एंट्रेंस की तरफ आ गए हैं। ये पीछे शेड बना हुआ है, बहुत खूबसूरत और अच्छा पिकनिक स्पॉट है। पुरसकून, खामोशी, हवा की सरसराहट भी सुनाई दे रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी देर के बाद ऐसा टूर हुआ है और मौका मिल गया एक अच्छी जगह देखने का। यहाँ पे एंट्रेंस है। अभी ये हमारे जो लास्ट पॉइंट हम देख के आए थे वो काफ़ी दूर है। और इधर से ये देखें, इस पॉइंट को देखना, हमारे बिल्कुल बैक साइड पे ये सिटिंग पॉइंट है। फैमिलीज आती हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा यहाँ पे। साथ ही पीछे मेन बिल्डिंग है जहाँ पे इनके ऑफिसेज हैं और टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं। अभी हम उसी की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी दूर से सफ़र करते हुए आए थे और आना काफ़ी बेहतर रहा। सुबह यहाँ पे बारिश हुई थी जिसकी वजह से हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है। इस वक्त दोपहर के 12 बजे सऊदी में शदीद गर्मी होती है, लेकिन इस बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा हवा चल रही है। गर्मी की बिल्कुल शिद्दत महसूस नहीं हो रही। अब हम यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसको पत्थरों से बाउंड्री बनाई गई है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको बहुत कम नज़र आए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लोप है। और ये हमने अभी 2 पॉइंट क्रॉस किए हैं। आप इधर भी देख सकते हैं, पूरी जगह पहाड़ और सहरा है। ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं इस पहाड़ के साथ से ये लाइटें, ये एंट्रेंस है। बहुत अच्छा रोड बना हुआ है जहाँ से आने में कोई मुश्किल नहीं है। हम भी गूगल मैप की वजह से उसके ऊपर से हमने लोकेशन लगाई और यहाँ पे आ गए हैं। ये इनका ऑफिस है एंट्रेंस में जहाँ पे वो, और इसके साथ ही ये मेन की तरफ हम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। अभी देखते हैं, लेकिन जो नज़ारा वो लास्ट चेक पोस्ट से देखने का आया वो वाकई से नहीं आता, क्योंकि वहाँ से सर्कल पूरा दिखाई देता है अच्छे से। पहाड़ों के दामन में ये जगह है, काफ़ी गहरी है लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। सैर व तफरी के लिहाज से एक अच्छी जगह। बहुत अच्छी हवा चल रही है अभी। जैसे जैसे हम तो इस वक्त 12 बज रहे हैं, बहुत जल्दी आ गए थे क्योंकि तो जजिस्तान में पता नहीं कैसे जगह पहुंचने में क्या दुश्वारी है। रोड बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। रास्ते में एक पेट्रोल पंप भी मिल गया और जैसे हम लोगों को
फ्यूल भी फिल करने में मुश्किल नहीं हुआ है, और खाने पीने की चीज़ें भी मिल गई। इस वक्त 12 बजे का टाइम है और धूप भी है, लेकिन बहुत अच्छी हवा चल रही है। जैसे ही 4 बजेंगे असर के बाद यहाँ पे लोग आना शुरू हो जाएंगे। आज जुमे रात भी है, लोग जो से हैं वो दूर दूर से देखने के लिए आते हैं इस जगह को, और इसीलिए हम भी इसको देखने आए हैं। ये भी एक सेटिंग पॉइंट बनाया है उन्होंने, जहाँ से खड़े होकर देखें, खाएं। फैमिलीज भी यहाँ पे आती हैं और बारबेक्यू वगैरह की भी। ये शेड बना हुआ है बहुत खूबसूरत, इन्होंने यहाँ से खड़े होकर देखने के लिए, और इसके आप देखें चारों तरफ पहाड़ हैं, बिल्कुल वीराना है, और पहाड़ों के दामन में ये जगह बनी हुई है जिसको बाउंड्री से कवर किया हुआ है, और देखने के लिए लोगों के देखने के लिए भी, ताकि वो यहाँ पे आए और इसको देखें। लेकिन सिक्योरिटी मना करती है नीचे जाने से, क्योंकि बहुत गहरा, और इधर हम लोग महादल दहब से आए हैं। महादल दहब से ये 80 किलोमीटर दूर है, और इस वक्त जो है हमें पूरे 50 मिनट लगे यहाँ पे आते हुए। बहुत प्यारा वेदर है, आज सुबह इधर बारिश हुई है जिससे हवा बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा था। टोटल एरिया जो सा वो बिल्कुल वीरान, एक तरफ से डर भी लग रहा था कि पहली दफ़ा जा रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे सिक्योरिटी होगी, वो हमें देखने देंगी कि नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप आके देख सकते हैं। हम भी इसको एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये अभी इसके साथ साथ जो बाउंड्री है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ आए हुए हैं मेरे कॉलीग है जो बांग्लादेश है, उन दोनों अकेले इधर आए हैं, और अभी तक इधर सिर्फ एक पाकिस्तानी मिला जो इधर एक सिक्योर हारस है, बाकी यहाँ पे छुड़ते हैं और मरूर बैठी है। ये अल अबवा कर्टर है जो महादद दहब से 80 किलोमीटर दूर है, पहाड़ों के दामन में एक गहरा गड्ढा जिसमें तकरीबन 1 किलोमीटर गहरा है, और चारों तरफ वीराना पहाड़ है। इसको पूरी तरह से बंद किया हुआ है, और ये छोटे छोटे शेड, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत प्यारी हवा चल रही है। ये देखें ये इनका सेंटर है, एंट्रेंस है ये, यहाँ से ये ऑफिसेज हैं और फैसिलिटीज़ दी गई हैं। इसको हम देखने बहुत दूर से आए हैं।